रामायण सीरियल के श्रीराम अरुण गोविल की तलाश तो पूरी हो गई, अब तलाश की टीम जुट गई रामायण सीरियल की सीता दीपिका चिखलिया की खोज में। दर्शक जहां अरुण गोविल में राम की छवि देखते थे, वहीं दीपिका चिखलिया में उन्हें साक्षात सीता का रूप नजर आता था। हरी हरी मेहंदी की पत्तियां लाल हथेली है। रामायण से पहले सीरियल के राम अरुण गोविल का नाम फिल्मी दुनिया में जाना पहचाना था, लेकिन सीरियल रामायण की दीपिका बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने कभी सखी को अपनी सौत नहीं समझा, मेरी अपनी वजह है। सखी वो कर रही है जो मुझे करना चाहिए। रामायण सीरियल में सीता के किरदार के लिए चुने जाने से पहले दीपिका चिखलिया ने 4-5 हिंदी फिल्मों में काम किया था। तेरे बिन लैला कैसे जिएगा ये छैला, इनमें से 3 फिल्में तो ऐसी थी जिन्हें बी ग्रेड की ही माना जाएगा। एक दिन मुंबई के नटराज स्टूडियो में जब दीपिका एक डायरेक्टर के ऑफिस में किसी रोल के सिलसिले में पहुंची, तभी रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर की नजर उन पर पड़ी, जिन्हें उन दिनों सीता के रोल के लिए एक दिव्य चेहरे की तलाश थी। दीपिका आनंद जी को मिलने आती थी, आनंद जी डायरेक्शन करते थे, अरमान एन हमराई एन राम बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है ना, यंगर यूनिट आनंद जी हैंडल करते थे, मैं कैमरा करता था। तो पास करके गई तो मैंने आनंद को इंटरकॉम में फ़ोन किया, मैंने बोला ये कौन लड़की है, हैं? बोले यार एक दीपिका है, एक्टर है, ये है। मैंने बोला इसका जो फेस है ना आनंद, ये डिवाइन फेस है, इसको मेरी कैबिन में भेजिए। मैंने दीपिका को देखा, मैंने कहा मेरा अंदर मन में कहा कि सीता मिल गई। और विक्रम बेताल में मैंने सोचा इसको टेस्ट, मैंने कहा ऐसे विक्रम बेताल 26 कहानियां हैं तो शी तो जम्प्ट एट इट। सीरियल विक्रम और बेताल में दीपिका का किरदार एक तरह से उनकी परीक्षा थी, अगर वो पास होती तो सीता बनती और नहीं तो शायद सीता का रोल उनके हाथ से निकल जाता। लेकिन दीपिका अपने इस इम्तिहान में खरी उतरी और रामायण की सीता के लिए उनके नाम पर मुहर लग गई। रामायण में सीता बनने के बाद छोटे पर्दे से दीपिका को वो सब कुछ हासिल होने लगा जो उन्हें बड़े पर्दे से नहीं मिल पाया था। दीपिका को शोहरत मिली, इज्जत मिली और साथ ही मिली एक नई पहचान। माता सीता के रूप में दीपिका भारत के करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक बन गईं। रामायण के बाद दीपिका की जिंदगी बदल गई। दीपिका ने 1991 में गुजरात के बड़ौदा से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर संसद पहुंची। लेकिन दीपिका को राजनीति ज्यादा दिन तक रास नहीं आई। बाद में दीपिका ने 2-4 हिंदी और गैर हिंदी फिल्मों में काम किया। 1989 में दीपिका की बांग्ला फिल्म आशा ओ भालो बाशा आई।